देखो भाई, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, बिल्कुल सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। फाइंड द लिस्ट नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करे 24, 30 और 54 को। तो क्या बचना चाहिए? पांच रिमाइंडर बचना चाहिए हर केस में। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सीधा कर देना, तुम्हें कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। 24, 30 और 54 का पहले निकालना है आपको LCM, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो भी आंसर आएगा उसमें पांच को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि पांच रिमाइंडर बचा बच जाएगा सीधा, कुछ करना ही नहीं है। तो मैं इसका निकालता हूं, या कि 12 क्या था, 20 था, तो यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 27। फिर वापस से 2 से 2 6 12, 15 ऐसे का ऐसा, 27 भी ऐसे का ऐसा। फिर 3 से कर लेते हैं, ठीक है, अब सारे अलग अलग हो गए, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 8 24 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1080। अब ये मल्टीप्लाई आ गया ना, तो अब आपको क्या करना है, पांच ये हर केस में बचवा रहा है, क्या कह रहा है कि पांच रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसके अंदर पांच जोड़ दो, तो डिवाइड पूरा होने के बाद पांच बच जाएगा, ठीक है, इसीलिए पांच को जोड़ा जाता है, 1085 हो गए, ये आंसर आ गया इसका।